हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 7 बुक आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 1 सी सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व की थी और उसमें डिटेल में इंटीजर वाले क्वेश्चन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको पहले देख लें। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के वैसे ही करते हैं जैसे हम करते आए हैं, बस हमें इंटीजर के सम्स में साइन का ध्यान रखना होता है। पहले हम साइन के रूल को समझ लेते हैं। जब हमारे पास एक डिजिट प्लस का और दूसरा डिजिट माइनस का होता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर एक डिजिट माइनस का और दूसरा डिजिट प्लस का होता है तब भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। जब इसका मतलब है जब हमारे पास पॉजिटिव साइन मतलब डिफरेंट साइन होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। अगर हमारे पास सेम साइन होते हैं दोनों डिजिट के साथ तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन 1 डिवाइड पार्ट 1 65 by -13। हम क्या करेंगे, 65 ये हमारा डिविडेंड है और डिवाइड हमने -13 से करना है तो हम इसको नीचे लिखेंगे -13। पहले हम साइन को ऊपर ले आते हैं, मल्टीप्लाई -1 upon -1 करेंगे, यहाँ पर आ गया 60 -65 आ गया अपॉन, अब माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया। अब 13 के टेबल में 65 आते हैं तो वो आता है 13 5 65। 13 काट दिया हमने, हमने एक ऐसे मतलब कि काटना है जिस नंबर में हमारे पास ये दोनों डिजिट आए, तो 13 1 13 और 13 5 65 तो हमारा आंसर आ गया -5। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर जब माइनस माइनस है इन दोनों को कट गया ये हमारा प्लस बन गया। पार्ट 2 -84 by 12। -84 upon 12, अब हम 12 के टेबल में 84 आता है, 12 7 84 12 7 84 तुम्हारा आंसर आ गया -7। पार्ट 3 -76 by 19 -76 upon 19। अब 19 के टेबल में जो आता है 19 4 76 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -4। पार्ट 4 132 by 12 -132 upon 12। अब ये सीधा 12 से कट जाएगा, 12 1 12 30 में से 12 लेस के 1 आ गया तो यहाँ पर भी 12 आ गया तो 12 1 12 हमारा आंसर आ गया -11। पार्ट 5 -150 by 25 -150 by 25। अब हम देखते हैं कि कौन से टेबल में आता है जिससे ये दोनों डिजिट कट जाते हैं, तो हम देखते हैं 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25 5 3 ज़ा 15 0। अब फिर अगेन ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30। अब हमारा आंसर क्या आ गया, -6। पार्ट 6 -72 by -18 -72 upon -18। अब ये हमारा माइनस से माइनस कट गया। अब हमने देखना है कि 72 18 के टेबल में आता है तो वो आता है 18 4 ज़ा तो हम यहाँ पर इसमें मैं वैदिक मैथ का मेथड लगा रही हूँ, जैसे एक बार बता देती हूँ और इसमें मैं ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट कि आप इसको कर सकें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया तो उसके आगे 0 लगा दें 40 और 8 4 ज़ा 32 तो 40 add 32 के हमारे पास 72 आ गया, 18 multiply 4 72 आ गया तो हम इसको 18 के टेबल पे काट देते हैं 4 पे और हमारा आंसर प्लस में आएगा, हमारा आंसर प्लस में आएगा +4। पार्ट 7 -105 by -21
माइनस 105 अपॉन माइनस 21, माइनस से माइनस कट गया, 21 के टेबल में आता है, 21 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ गया 105, तो हमारा आंसर 5 आ गया इसका। देन पार्ट एट है हमारे पास माइनस 36 बाय माइनस 1, माइनस 36 बाय माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास 36 तो हमारा आंसर 36 आ गया, तो प्लस में आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पार्ट 9, 0 बाय माइनस 31, इसको हम ऐसे लिखें 0 बाय माइनस 31। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारा ऊपर डिजिट जैसे यहाँ पर 0 हमारा डिविडेंड आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, या हम ये कह सकते हैं जब हमारा मतलब न्यूमरेटर में 0 आता है तो हमारा जो आंसर है हमेशा 0 आएगा। पार्ट 10 माइनस 63 बाय 63, माइनस 63 अपॉन 63, 63 वन से 63, अब यहाँ पर माइनस 1 हमारा आंसर आएगा। पार्ट 11 माइनस 23 बाय माइनस 23, ये भी सेम ही है पर यहाँ पर साइन डिफरेंट है, माइनस 23 अपॉन माइनस 23, अब ये माइनस से माइनस कट गया हमारा, 23 वन ज़ा 23, आंसर हमारा बस 1 आ गया। 12 माइनस 8 बाय 1, माइनस 8 अपॉन 1, तो इसका आंसर भी हमारे पास माइनस 8 आ गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, 72 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू माइनस 4। अब जहाँ पर हमारे पास डैश है हम उसको सपोज कर लेते हैं x है, 72 अपॉन x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन, अब जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई साइन है तो इसको सपोज करते हैं यहाँ पर 1 है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को हमने माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 4x, और 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आ गया। अब हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है तो माइनस x 72 अपॉन 4, अब हमने देखना है 4 के टेबल में 72 कट जाता है तो 4 वन ज़ा 4, अब 7 में से 4 लेस किया हमारे पास 3 रह गया और ये बन गया 32, 4 8 ज़ा 32, अब हमारा आंसर क्या आ गया। अब यहाँ पर जो 18 आया है, अब यहाँ का जो माइनस एक्स था तो यहाँ पर हमने माइनस 18 कर देना है, तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, फिलअप में माइनस 18। पार्ट 2 माइनस 36, अभी मैं सीधा ही कर दूँगी, माइनस 36, अब यहाँ पर जो फिलअप है अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 4, अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स को हमने माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 4x, और माइनस 36 को 1 से माइनस 36, तो माइनस एक्स माइनस 36 अपॉन 4 आ गया, 4 9 ज़ा 36, अब हमारे पास आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9। अब यहाँ पर जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के सम्स में यह होता है कि माइनस माइनस को हम काट देते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 9, तो जहाँ पर हमारा फिलअप है वहाँ पर हम 9 फिलअप कर देंगे। पार्ट 3, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही फिलअप है तो यहाँ पर एक्स अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 24 अपॉन 1, एक्स को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास एक्स आ गया, अब 24 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर आ गया, 4 टू ज़ा 0 8, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 96 और साइन हमारे पास माइनस का आ गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस 96, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर माइनस 96 को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है पार्ट 4, पहले ही डैश है तो एक्स सपोज कर देते हैं इसको डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0, अब इसके नीचे हम 1 को सपोज कर लेते हैं, x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो हमारे पास x और 0, 25 का 0 आएगा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो अंडरस्टूड ही है, इस करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने करके दिखाया है सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। तो जब भी 0 आ गया तो उसका मतलब हमारे पास जो है 0 आएगा, 0 को हमने 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है आंसर 0 आएगा। तो हम यहाँ पर जहाँ पर फिल डैश है हमारे पर, हम वहाँ पर 0 फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट फिफ्थ। अब यहाँ पर पहला डैश है डैश अपॉन -1 इक्वल टू 36 अपॉन 1। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 36 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आया, साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास जो डैश में हमने -36 को फिल कर देना है। पार्ट सिक्स डैश यहाँ पर सपोज कर लिया एक्स अपॉन 1 इक्वल टू -37 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स इक्वल टू -37, तो हमारे पास फिलअप में हमने -37 को फिल कर देना है। अब है पार्ट सेवन। ये है 39 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास x आ गया -x इक्वल टू 39। अब यहाँ पर x के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो माइनस का साइन है ये 39 के साथ ट्रांसफ़र कर दें तो -39 आ गया। तो हम फिलअप में यहाँ पर -39 फिल कर देंगे। नेक्स्ट है पार्ट एट, 1 डिवाइडेड बाय x कर लिया इक्वल टू -1। तो ऑब्वियसली x को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -x इक्वल टू 1 को हमने 1 से कर लिया तो 1 आ गया, तो x इक्वल टू -1। तो हम फिलअप में -1 कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास -1 अपॉन x इक्वल टू -1 अपॉन 1। एक्स को -1 से करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स -x आ गया, इक्वल टू -1 को किया 1 से तो -1 आ गया। अब यहाँ पर हमारा माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा एक्स क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम फिलअप्स में 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्वेश्चन 3, राइट T for true and F for false for each of the following statement। अब यहाँ पर 0 divided by -0। अब आपको ये पता ही है जब भी हमारे पास अभी 0 अपॉन -4 आ गया इक्वल टू 0, जब भी 0 न्यूमरेटर में आता है तो हमारा ये आपने ध्यान रखना, जब भी न्यूमरेटर में हम 0 लिखते हैं तो हमारा जो है कभी भी आंसर जो इक्वल टू होगा वो 0 होगा। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। पार्ट टू, -6 डिवाइडेड बाई 0, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जब भी हमने -6 डिवाइडेड बाई 0 करना है तो -6 अपॉन 0, ठीक है, तो ये इसको करेंगे तो ये कभी भी हमारे 0 माइनस ये 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर -6 आएगा तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है -5 डिवाइडेड बाई -1 तो इक्वल टू -5। अब यहाँ पर क्या हो गया, -5 अपॉन -1 करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा आंसर 5 तो आएगा पर जो साइन है वो माइनस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो जो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। अब नेक्स्ट है -8 अपॉन 1, तो ऑब्वियसली ये हमारी स्टेटमेंट -8 ट्रू है क्योंकि ये जब भी इसका आंसर जो है -8 में आएगा। अब यहाँ पर है -1 डिवाइडेड बाई -1, अब इसमें जो आंसर दिया है वो -1 में है तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, ये माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास सिर्फ +1 आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब यहाँ पर -9 -1 है तो अब यहाँ पर -9 -1, अब यहाँ पर माइनस माइनस कट गया 9 रह गया और यहाँ पर +9 आंसर लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है।
हमने अब एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ्स के सॉल्यूशन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।